नदी में जादुई झुमके का पेड़। आशा नगर गांव में पीहू अपने माता पिता के साथ रहती थी। पीहू जब 7 साल की थी तो उसकी माँ की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। इसलिए पीहू के पिता सुशील ने सुजाता नाम की एक औरत से शादी कर ली। सुजाता की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम कुसुम था। सुजाता दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और दोनों बेटियां बड़ी हो रही थी। कुसुम दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी लेकिन पीहू दिखने में काली थी। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद ही कुसुम के पिता की भी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही कुसुम अपनी माँ से बोली, माँ ये पीहू कितनी भनोस है, पहले अपनी माँ को खा गई और अब अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। मैं तो कहती हूँ आप इसे थोड़ा दूर ही रहा करो, कहीं आपको भी कुछ ना कर दे। कुसुम तुम ये कैसी बातें कर रही हो, वो बेचारी तो पहले ही अपने पिता के मरने से इतनी दुखी है, अब हमें ही उसे देखना है। इतना कहकर सुजाता वहाँ से चली जाती है और कुसुम मन में सोची कि माँ को भी एक बार समझ नहीं आती, पता नहीं उस काली घटा में क्या दिखता है जो सारा दिन उसके पीछे ही लगी रहती है। सुजाता लोगों के कपड़े सिलकर अपना घर चला रही थी। कुछ दिनों बाद सुजाता की बहन रेणुका उससे मिलने के लिए आती है। दीदी बहुत टाइम लगा दिया आपने आने में। हाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इसलिए टाइम लग गया आने में। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे ये सब तो होता रहेगा, तू पहले अपनी बेटी कुसुम को बुला, मैं भी तो देखूँ कितनी बड़ी हो गई है मेरी कुसुम। हाँ दीदी मैं अभी बुलाती हूँ। इसके बाद सुजाता अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है। दोनों बहनें अपने अपने कमरे में से बाहर निकल के आती हैं और रेणुका कुसुम से कहती है, वाह मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, देख मैं तेरे लिए वॉच लेकर आई हूँ। रेणुका कुसुम को वॉच दे देती है लेकिन पीहू की तरफ देखती तक नहीं। इस बात से पीहू को बहुत बुरा लगता है और थोड़ी देर बाद सब लोग खाने के टेबल पर खाना खाने लग जाते हैं। और सुजाता पीहू से बोली, पीहू बेटा एक रोटी और खा लो। नहीं माँ बस मेरा पेट भर गया है। और फिर दोनों बहनें खाना खाकर चली जाती हैं और रेणुका बोली, कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं दिखा रही है तो उस पीहू पर, मेरी मान उस पर इतना अपनापन दिखाना बंद कर दे, एक तो इतनी काली है और कल को उसकी भी शादी होगी तो उसका भी खर्चा तुझे ही उठाना पड़ेगा, वो तेरी सौतेली बेटी है उससे बस अपना काम निकलवाना जान। इतना कहकर रेणुका वहाँ से चली जाती है। पर रेणुका की बातें सुजाता को सही लगती है और उस दिन से सुजाता का व्यवहार पीहू के प्रति बदल जाता है। पीहू ओ पीहू जल्दी आ इधर। क्या हुआ माँ? सुन आज कुसुम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो तू उसे अच्छे से तैयार कर दियो, और हाँ जब लड़के वाले आ जाएं तो तू अपनी भद्दी शक्ल लेकर उनके सामने मत आ जाइयो। पीहू कुछ कहे बिना जैसा उसकी माँ कहती है वैसा ही करती है। लेकिन ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पीहू सुबह से शाम तक काम करती और रात को जो बचा कुचा हुआ खाना मिलता उसे ही खा लेती। एक दिन की बात है कुसुम चुपके से अपनी माँ के पैसे चुरा कर पीहू के अलमारी में डाल देती है। कुछ देर बाद, कुसुम बेटा तुम्हारे पापा की पेंशन आई थी तो मैंने उसे पर्स में रखा था, पर अब वो वहाँ पर नहीं है, तुमने देखा है क्या? मुझे तो नहीं पता माँ, और सुबह से घर में कोई आया भी नहीं। मुझे तो लगता है हमें पीहू के कमरे की भी तलाशी लेनी चाहिए क्योंकि मैंने उसे सुबह आपके कमरे से जाते देखा था। नहीं बेटा मैं पीहू को जानती हूँ, वो ऐसा काम नहीं करेगी। माँ आप पीहू को जितना भोली समझती हो वो उतनी है नहीं, चलो उसके रूम की तलाशी लेते हैं फिर पता चल जाएगा। और फिर दोनों माँ बेटी पीहू के कमरे में जाते हैं। ये देखो माँ कितने सारे पैसे, मैंने तो पहले ही कहा था वो पीहू भरोसे के लायक नहीं है। ये देखकर सुजाता पीहू को गुस्से से बुलाई और उसे खींच के डांटा धड़ देती है। चोरनी कहीं की तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मेरे पैसे चुराएगी, अगर तुझे कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, इतनी गिरी हुई हरकत करने की क्या जरूरत थी, दूर हो जा मेरी नजरों से और आज के बाद मेरे सामने मत आ जाइयो। नहीं माँ मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे अलमारी में कहाँ से आए। अच्छा अगर तूने पैसे नहीं चुराए तो ये पैसे तेरी अलमारी में खुद चल कर आ गए। माँ मैं तो कहती हूँ इसे अभी घर से निकाल दो, आज पैसे चुराए हैं कल पता नहीं क्या क्या चुराएगी।
इतना कहकर कुसुम पीहू को धक्के मार के घर से निकाल देती है। पीहू रोते रोते नदी के पास चली जाती है और वहीं बैठकर रोने लगी। माँ, पिताजी, मैंने कोई चोरी नहीं की। कुसुम ने मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। एक सुजाता माँ ही थी जो मुझे समझती थी, पर आज सुजाता माँ ने भी मुझे चोर कहा। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? इसलिए मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे रही हूँ। इतना कहकर पीहू नदी में कूद जाती है और जब वो बेहोश होती है तो उसे ये महसूस होता है कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उठा रखा है। और जब वो होश में आती है तो अपने आप को नदी के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे पाती है। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे झुमके लगे हुए थे। अरे, मैं तो नदी में कूद गई थी, पर मैं नदी के बीचों बीच कैसे आ गई? और इस पेड़ पर फल की जगह झुमके कैसे उग रहे हैं? ये कैसे संभव है? तभी पीहू के सामने एक परी प्रकट होती है। तुम नदी में कूद गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। लेकिन तुम नदी में कूदी क्यों थी? पीहू रोते हुए अपनी सारी बातें परी को बताती है। रो मत मेरी बच्ची। इतना कहकर परी पीहू को जादुई झुमके तोड़कर देती है। बेटी, ये जादुई झुमके हैं। अब ये झुमके ही तुम्हारी परेशानियों और उलझनों को दूर करेंगे। इतना कहकर परी पीहू के सर पर हाथ रखती है। पीहू अपनी आँख बंद करते ही वह अपने घर आ जाती है और जादुई झुमकों को पहन लेती है। जादुई झुमकों को पहनते ही पीहू का रंग बिल्कुल दूध की तरह गोरा हो जाता है। वह दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। इतने में ही वहाँ कुसुम और सुजाता भी आ जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में आने की, और तेरा रंग इतना गोरा कैसे हो गया? हाँ कुसुम, तुमने हमेशा मेरे साथ गलत किया, मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया, पर आज तो तुमने हद ही कर दी। मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर एक माँ ही थी जो मुझे प्यार देती थी, पर तुमने उस प्यार को भी खत्म कर दिया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत कर दिया है? देख लो माँ, आपके सामने ही ये मुझे कितना गलत गलत बोले जा रही है और आप चुप होकर सब कुछ सुन रहे हो। ए लड़की, क्या बके जा रही है? पहले तो खुद चोरी करती है और अब मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है। निकल जाए यहाँ से, कहीं मैं और कुछ गलत ना कर दूँ तेरे साथ। माँ, अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं है तो ये लो, ये जादुई झुमके हैं। इसे अपने हाथ में रखो और आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और जैसे ही सुजाता अपने हाथों में जादुई झुमकों को लेती है तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। ये देखकर सुजाता को अपनी भी गलती का एहसास होता है और वो बोली, मैं अपनी बेटी से क्या कहूँ, जब मैंने ही अपनी बहन की बातों में आकर तुम्हारे साथ इतना गलत किया। हम दोनों ने ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है बेटी, हमें माफ कर दो। नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, बस जो आप मुझे माँ का प्यार पहले देती थी वो अभी भी देने लग जाओ। पीहू की बातें सुन सुजाता उसे अपने गले लगा लेती है और उस दिन से सब कुछ ठीक हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल जोया टीवी पर नए आए हैं तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।